नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनपाल की रसोई में। और आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि पता है कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, और इसके लिए आज गणेश चतुर्थी और ओणम के त्योहार पर हमने बनाई है पूरन पोली। पूरन पोली महाराष्ट्र में काफी बनाई जाती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इसे बनाएं। तो यहाँ पे रेसिपी शेयर जो कर रही हूँ, आप एंड तक वीडियो देखिए। कुछ टिप्स इसमें शेयर करूंगी आपके साथ कि किस तरह से आप अपनी पूरन पोली थोड़ी क्रिस्पी और अंदर से काफी सॉफ्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर डो के लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, और 1 कप ही मैंने यहाँ ले लिया है गेहूं का आटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गेहूं का आटा और मैदा एक प्रपोर्शन में ही हो। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी यहाँ पर कलर देने के लिए यूज की है। और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने घी डाल दिया है। और अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स करके हम एक अच्छा डो बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पानी यूज कर रहे हैं डो बनाने के लिए। आप चाहें तो इसमें मिल्क भी यूज कर सकते हैं। मिल्क यूज करने से थोड़ी ज्यादा क्रिस्पी पूरन पोली बनेंगी। मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी से ही बना रही हूँ। तो डो लगाते टाइम आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप डो लगा रहे हैं, चपाती के लिए जैसा डो हम लगाते हैं, उससे ना तो ज्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज्यादा हार्ड डो लगाना है। तो जैसे चपाती के लिए डो लगाते हैं, उससे हल्का सा सॉफ्ट डो हमें यहाँ बनाना होगा, क्योंकि उससे हम जब पूरन पोली बनाएंगे तो उसकी जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी और हमारी पूरन पोलियां फटेंगी नहीं। तो बस इसी तरह आप इसे डो लगा ले। अगर आपको लग रहा है कि डो थोड़ा अगर सॉफ्ट हो रहा है या थोड़ा रनी हो रहा है, आप उसमें थोड़ा सा आटा और मिला सकते हैं। तो बस इसी तरह आपने अपना आटा बना के डो बना के तैयार करना है। इस डो को हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे एटलीस्ट 30 मिनट के लिए। और जब भी हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, इसे कवर करेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर घी हम लगाकर फिर इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो साथ में ही हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे जब तक ये जो हमारा डो है वो फर्मेंट हो रहा है। यहाँ पे मैंने कम से कम ले लिया है 2 कप चना दाल। इसे मैंने 2 घंटे भिगो के रख दिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इंस्टेंट भी आप चना दाल को बॉईल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया है। 6 to 7 विसल में ये एकदम अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ ताकि जो हम स्टफिंग बनाएं वो बिल्कुल एकदम गाढ़ी हो, उसकी कंसिस्टेंसी जो है डो जैसी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं जो पानी निकाल दिया है, इसे आप फेंकिएगा नहीं। आप इसे किसी तरह का डो बनाने में या आप सब्जी बना रहे हैं उसमें ये पानी यूज कर सकते हैं। तो इस दाल को मैं यहाँ पर एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी, इसका एकदम पेस्ट बना लूंगी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, उसमें मैंने डाल दिया है घी, और साथ में मैंने लिया है जैगरी गुड़ लिया है। ये ग्रेटेड है, आप इसे छोटे छोटे चंक्स में भी कट कर सकते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में लिया है ताकि ये अच्छे से स्टफिंग हमारी जल्दी मेल्ट हो जाए। साथ में मैंने लिया है थोड़ा जायफल, इलायची पाउडर और सौंफ का पाउडर। अब मैं यहाँ पे जो हमने पेस्ट बनाया था हमारी चना दाल का, तो वो भी मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह हमें मिक्स करते हुए इसकी स्टफिंग रेडी करनी है। और स्टफिंग के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये नीचे चिपके नहीं, और इसी तरह इसे लगातार चलाते रहें। जैसे जैसे हम इसे चलाएंगे वैसे वैसे ये स्टफिंग गाढ़ी होती जाएगी। तो स्टफिंग को गाढ़ा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम पूरन पोली बनाएंगे तो हमारी पूरन पोलियां फटेंगी नहीं, क्योंकि अगर डो हमारा हार्ड हुआ और स्टफिंग अगर पतली हुई तो भी पूरन पोलियों के फटने का डर है। और यही अगर हमारा स्टफिंग जो हार्ड हुई और डो हमारा पतला हुआ तो भी हम पूरन पोली सही से नहीं बना पाएंगे। तो बस इन्हीं 2 बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है पूरन पोली बनाते टाइम। तो आप इसी तरह से लगातार चलाते रहें जब तक ये गाढ़ी ना हो रही हो। अगर अगर आपको लग रहा है कि गाढ़ी नहीं हो रही है, जैसे आप स्टफिंग तैयार कर लेंगे उसके बाद में भी आपको ये लग रहा है कि गाढ़ी नहीं हुई है, तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर। फ्रिज में रखने से ठंडी होके काफी अच्छी आप इसकी स्टफिंग रेडी कर सकते हैं। तो बस आप देख रहे हैं कि लगातार चलाने के बाद में ये काफी गाढ़ी हो चुकी है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अगर आपको लग रहा है कि काफी रनी कंसिस्टेंसी है, तो आप उससे पहले ही जो गुड़ है, गुड़ की जो मात्रा है वो थोड़ी और कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स हमारे चैनल पे देती रहती हूँ मैं, और हमारी वीडियो आती रहती हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए,
उससे जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी आपको एक अपडेट मिलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं, बस इसी तरह एक हलवे की जैसी कंसिस्टेंसी होती है, वैसा ही हमें यहाँ पर इसकी स्टफिंग जो है तैयार करनी है। तो बस इसे आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दे ठंडा होने के लिए, उससे हम स्टफिंग काफी अच्छी बन जाएगी और काफी हार्ड भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने डो बनाए थे उनकी मैंने कुछ बोल्स बना ली हैं। तो आपको सेम साइज की बोल्स बनानी है और सेम साइज की स्टफिंग की बोल्स बनानी है। तो यहाँ पे आप जब भी इसके साथ चपाती बनाएंगे तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा इसमें आप घी लगा लें। आप चाहे तो यहाँ पर नॉर्मल सूखा आटा भी यूज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल चपाती बनाने के लिए करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ घी बनाकर ही इसकी रोटियां बनाऊंगी। तो आप देखें, शेप जरूरी नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो राउंड नहीं भी बनेगी, जैसे मेरी इतनी राउंड नहीं बन रही है। उसी तरह आपने इसको फैला लेना है। उसके बाद में जो हमने स्टफिंग की बोल्स बनाई है अलग से, वो इसमें हम इसमें डालेंगे और फिर से हम इसे बेलेंगे। तो आपको रोलिंग पिन जो रखनी है वो हमेशा सॉफ्ट हाथों से पकड़ के ही रखनी है, बहुत ज्यादा प्रेशर देके आप ना इसको बेल लें। तो इसमें जब स्टफिंग कर रही हूँ तो अगर आपको लग रहा है कि जो आटा है वो काफी एक्स्ट्रा है तो आप इस तरह निकाल भी सकते हैं। तो ज्यादा पूरन पोली बनाते टाइम एक चीज का और ध्यान रखिए कि आप इसे सॉफ्ट हाथों से जितना अच्छा फैला सके वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम बेलन से काम करते हैं तो इसे थोड़ा प्रेशर लगकर पूरन पोलियों साइड से इसकी स्टफिंग निकलने लग जाती है। तो आप हल्के हल्के हाथों से इसी तरह पूरन पोलियां बनाकर तैयार कर लें। और हो सके तो आप ज्यादातर हाथों से अगर बना सकते हैं, इसकी हाथों से इसकी शेप दे सकते हैं तो काफी अच्छा। जैसे देख रहे हैं आप कि हल्की हल्की स्टफिंग बाहर निकल रही है, पर यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा स्टफिंग अगर निकले तो आप थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं, जो डो हमने बनाया हुआ है उसमें से थोड़ी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। बट यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी स्टफिंग काफी है। इतनी स्टफिंग अगर बाहर निकल रही है तो वो काफी सही है। तो बस इसी तरह मैं हाथों से इसे थोड़ा फ्लैट आउट कर रही हूँ ताकि जो हमारी शेप जो है पूरन पोले की काफी अच्छी बने। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक फ्लैट तवा, उसमें मैंने थोड़ा सा घी ड्रिजल कर दिया है। तो बहुत ज्यादा घी नहीं यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं, बस एक साइड से पूरन पोली को सिकने दीजिएगा। जब इस पे हल्के हल्के स्पोट जब आपको लगे कि ऊपर की साइड आने लगे हैं तभी आपको इसे फ्लिप करना है। तो आप चाहें तो इसमें बहुत ज्यादा घी लगाकर इसे बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बहुत कम घी लगाया है, बहुत कम घी ही मैंने स्टफिंग में यूज किया है, क्योंकि थोड़ी हेल्दी बनाना चाहती थी मैंने, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी लगाकर इसे बना रही हूँ। वैसे आप जितना घी लगाएंगे उतनी सॉफ्ट आपकी पूरन पोली बनेगी। मुझे यहाँ पे थोड़ी क्रिस्पी पूरन पोली चाहिए थी तो इसीलिए मैंने इसे घी कम लगाया। तो बस थोड़ा थोड़ा घी दोनों साइड से आप लगाते रहें और दोनों साइड से जब तक अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाए पूरे पे, जिस तरह हम पराठा बनाते हैं स्टफिंग वाला, सेम वैसे ही आपको ये बनानी है। तो देख रहे हैं, बस दोनों साइड से आपको इसी तरह अच्छे से सेक लेना है। बहुत ज्यादा प्रेशर ना दे, बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे जो स्टफिंग होगी वो बाहर निकलने का डर रहेगा। इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं, तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप गणेश चतुर्थी पर क्या बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे, अगर आप भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल पूरन पोली से ही चढ़ाइए, घी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं जब आप भगवान के यहाँ भोग लगा रहे हैं। नहीं तो आप अगर नॉर्मल ब्रेकफास्ट में भी इसे यूज करना चाह रहे हैं, नॉर्मल ऐसे ही डेज में, तो आप इसे अचार के साथ यूज कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर कोई भी तीखी चटनी जो बनाई है आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।